वेलकम स्टूडेंट्स टू अडा 247 ऑनलाइन स्कूल और हम कर रहे हैं आपके यूक्लिड्स ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज और उसका पहला क्वेश्चन. सो यूक्लिड्स ज्योमेट्री को आपने लाइव सेशन में देख ही लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा. अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं. इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और स्टेटमेंट्स को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, स्टेटमेंट्स आपकी सही दे रखी हैं कि गलत दे रखी हैं, और उसके पीछे आपको रीज़न भी देना है. वैलिड रीज़न आपका होना चाहिए जो आपको रीज़न उसमें बताना है. सो शुरू करते हैं आपकी पहले स्टेटमेंट के साथ. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सो देखिए, केवल एक लाइन पास कर सकती है क्या सिंगल पॉइंट से? ये हमारा सिंगल पॉइंट हो गया, ठीक है. चलिए, ये हमारा सिंगल पॉइंट हो गई. यहां से एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ये पास हो गई, एक ये पास हो गई, एक ये, यानी कि एक लाइन से कितनी, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं. सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई. बात करते हैं अगली स्टेटमेंट की आपके. सो देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दे रखे हैं. ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दे रखे हैं. यहाँ से पास करने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ, माफ कीजिएगा, टेढ़ी हो गई है ये लाइन. यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा नीचे. हाँ देखिए, कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए आपके. इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं. ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ से एक ये लाइन पास करेगी, वापस से यही लाइन पास करेगी, वापस से यही लाइन पास करेगी. यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में हमेशा कितनी लाइंस हो सकती हैं? केवल एक ही लाइन हो सकती है. यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया. बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. सो टर्मिनेटेड लाइन की बात करते हैं. सो देखिए, ये आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन हो गई, ठीक है. या इधर मैं बना दूं, ये आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन हो गई, ये भी आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये भी आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन हो गई. दोनों जगह पे इसके एंड्स है, दोनों एंड्स पे ये टर्मिनेट हो रही है. आप इसको यहाँ पर एंड एक्सटेंड कर दीजिए, आप इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दीजिए, करते जाइए. यानी कि टर्मिनेटेड लाइन को आप बोथ साइड्स पर एक्सटेंड कर सकते हैं. अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं आपके अगले स्टेटमेंट की. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियाई यानी कि उनके रेडियस भी इक्वल होंगे. बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है. देखिए, ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका एक सर्कल हो गया. दो सर्कल इक्वल हैं उसका मतलब क्या है? यानी कि इस सर्कल को आप इस सर्कल के ऊपर पुट करेंगे तो पीछे वाला सर्कल आपको नहीं दिखेगा. सर्कल वन पे आप सर्कल टू को पुट करेंगे तो सर्कल वन आपको नहीं विजिबल होगा. कब विजिबल नहीं होगा? जब उसका सेंटर, सर्कल वन का सेंटर सर्कल टू के सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा, और सर्कल वन का सर्कमफेरेंस सर्कल टू के सर्कमफेरेंस के साथ कोइंसाइड करेगा, तभी ऐसा होगा. और ये कब होगा कि सेंटर और सर्कमफेरेंस दोनों सर्कल्स के आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें? कब होगा? जब दोनों के रेडियस इक्वल होंगे. आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर. सो देखिए, आपका फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है. इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. पूछा है यहाँ पर कि अगर ए बी है, ये मान लीजिए आपको ए बी दे रखा है, ठीक है, ये ए बी है, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है. कह रहा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे. पोस्टुलेट पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? सो हमने पढ़ा है, देखिए, इक्वल होगा, ए बी विल बी इक्वल टू एक्स वाई. क्यों? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीज़ें आपस, दो चीज़ें अगर किसी एक चीज़ को इक्वल हैं, सो वो दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं. ए बी और एक्स वाई दोनों ही पी क्यू के इक्वल हैं, तो ए बी और पी क्यू भी, सॉरी, ए बी और एक्स वाई भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.1.